ये देखिए 3.1 इंटू 3.9 आया। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन था मेरा 10वें नंबर का। तो 3.1 इंटू 2.6 इंटू 1.5, तो 2.6 में से 2 निकाल के ट्रांसफर कर दिए, 1.5 आ गया। अभी 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 3, और 3.1 इंटू 1.3 इंटू 3 यानी 3.1 इंटू 3.9 हो गया। अभी 31 को अगर 39 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आप मेरे बेसिक कैलकुलेशन में जाइएगा तो एक है सेम एंड टेंथ रूल, यानी यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए और रेस्ट ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिजिट लिखेंगे 09, और 3 3 बचा तो 3 को सक्सेसिव नंबर से गुना करते यानी 3 चौका 12, और 2 डिजिट पहले डेसिमल, यानी आंसर क्या हो जाएगा 12.09। इसका आंसर हो गया 12.09। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 11वें नंबर का है। 43% ऑफ 600, ये तो आसानी है, इसका परसेंटेज से इसके डबल जीरो को हम काट सकते हैं। तो 43 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 हो जाएगा। 40 गुना 6 240, 6 18 258, यानी हम बोल सकते हैं इस 258 को बराबर के उस साइड लेके चले जाओ। तो व्हाट परसेंट ऑफ 300 बराबर 399 में से 258 कम करना है, क्योंकि बराबर के उस साइड चला गया, माइनस में चला गया। ठीक है, ये माइनस नहीं है। ठीक है, तो 258 जैसे ही माइनस हुआ तो यहां से देख लो आ गया हमको 141। तो व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज इक्वल टू 141। तो यहां भी हम दो तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसका इसका डबल जीरो इसके परसेंट से काट दो और 3 से काट दो इसको, तो 3 चौका 12, 2 बच गया, 3 सत 21, यानी वाट का वैल्यू क्या आया 47, यानी वाट परसेंट का वैल्यू क्या आएगा 47%। एक तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, वाट परसेंट ऑफ 300 इज इक्वल टू 141। तो अगर ये 50% होता तो 150 होता, अगर ये 50% होगा इसका, इसका अगर 50% होगा तो कितना होगा 150 होगा। तो है कम, कितना है 9 कम है ना, 9 कम है, तो 10% 30, 1% 3, तो 3% 9, यानी 3% कम करना पड़ेगा। तो आंसर मेरा क्या होगा 47% बराबर 141। तो इसका आंसर मेरा क्या हो गया 47, वाट परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा 47%। ओके, वाट बराबर 47। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12वें नंबर का क्वेश्चन है। 11.7 इंटू 4.1 माइनस 5.97 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखो करना क्या है, 117 लेना है और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 117 चौका 468 यानी 46.8। ठीक है, 46.8। अब 117 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है तो होगा तो 117 ही, लेकिन एक डिजिट दो डिजिट यानी 1.17 माइनस 5.97। अब देखो क्या करना है, 5 यहां पे माइनस करना है, 5 माइनस करना है, यहां से 80 आया, 80 और 17 तो 97 खत्म हो गया, 80 प्लस 17 97 खत्म हो गया। अब 46 147 में से 5 चला गया, आंसर क्या हो गया 42। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42। समझ गए होंगे, चलिए बढ़ते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 30% 1225 का, 30% 1225 का, और माइनस करना हमको 64% 555 का। ठीक है, देखो कैसा अप्रोच लगाते हैं, 30% 1225 का, तो ये मेरे लिए बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि भारी है। हम क्या करते हैं, 10% 122.5 होगा, अगर 10% होगा तो 122.5 होगा। ठीक है, तो 30% होगा ट्रिपल, यानी 5 दिया 15 तो 1.5, 5 दिया 15 1.5, और 122 दिया 366, 366 और 1.5 तो 367.5। ठीक है,
माइनस, क्या ये समझे आप, 10% 122.5 तिगुना करो या ऐसे भी कर दो, 25 तिया 75 और 12 तिया 36, तो 3675 हो गया और एक डिजिट पहले डेसिमल कर दिया, ठीक है। अब 64% 555 का निकालना है, यहाँ पे हमको थोड़ा टफ लग रहा है इसलिए इस पांच को इधर निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस पांच को जब मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, तो गौर से देखो, इस पांच को निकालते इसके दो से मल्टीप्लाई करते हैं 10, इस पांच को निकाले इसके दो से मल्टीप्लाई करें 10, 32 बच गया, 32 में 10 को मल्टीप्लाई करे तो निकल गया हमको 320% ऑफ 111, 320% ऑफ 111। तो हम लोग क्या करेंगे, 320% 111 का निकला है तो कुछ नहीं करेंगे, देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। 320% 111 को या तो आपको 111 से गुना कर लो तो भी सही है, या नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे 111% निकालेंगे 332 का, 320 का 111% 320 का, देखो 100% 320 का 320, 10% 320 का 32, 1% 320 का 3.2, ऐड कर दिए 325 355.2, यानी यहाँ पे 367.5 में से 355.2 को माइनस करेंगे और 0.5 में से 0.2 माइनस होगा तो 0.3, और 367 में से 355 को माइनस करेंगे तो 12, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 12.3, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 14 नंबर का, 14। तो ये है 45% ऑफ 360, 45% ऑफ 360, देखना ध्यान से, 45% ऑफ 360 प्लस 288 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 750। तो हम यहाँ पे दो तरह से निकाल सकते हैं, इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, देखो कैसे कैसे निकाल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं 50% 360 का 50%, 50% माइनस 5%, तो 360 का 50% 180, माइनस 5% 18, तो 180 में से 18 को जैसे ही माइनस करते हैं तो ये आ जाता है आपका 162, ठीक है। या तो ये, या फिर हमको क्या करना है, 45% 360 का है तो इसको 90% बना लो, इधर से दो ट्रांसफर कर लो तो ये भी क्या हो जाएगा 18 180, तो 90% 180 का कितना हो जाएगा 18 × 9 162, यानी 162 यहाँ पे आ गया, ठीक है। प्लस 288 प्लस 288 बराबर वाट परसेंट ऑफ 750। तो यहाँ पर देखो क्या सब करते हैं हम, 8 को 2 से ऐड करते हैं तो 10 हो गया, और 280 को 160 में ऐड कर देते हैं, 280 को अगर 120 में ऐड करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 400 में 40 10 50 यानी 450, तो 450 बराबर वाट परसेंट ऑफ 750। छोटा करना चाहेंगे तो आराम से कर सकते हैं, देख लो ये हो गया 5 × 9 = 45, ये हो गया 15 × 5 = 75, और भी छोटा कर लो 3 × 5, तो वाट परसेंट बराबर 3/5। तो वाट परसेंट बराबर जब 3/5 आया तो 3/5 का आपको फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंटेज वैल्यू 60% होता है, या इसके परसेंटेज को उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 60%, तो इसका आंसर क्या हो गया 60%, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका 56% 225 का निकालना है हमें, 56% 225 का निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा कर देते हैं, इसको कर देते 225% ऑफ 56, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। देखो 20% 100 का निकालो, 100 तो 100 का 20% 20, इसको रेसिप्रोकल देखो, 100% हम 20 का निकालते हैं तो 100% 20 का भी कितना होगा, 20 ही होगा, ठीक है। तो यहां पर देख लो 225 56% 225 का, तो हम क्या लिखे 225% 56 का, ठीक है, प्लस 20% 150 का, ये तो बहुत आसान है, 10% हो गया 15, 20% हो गया 30 बराबर वाट प्लस 109। अब 225% 56 का निकालते हैं 56 का,
तो 200% 56 का 112 डबल, 100% 56 का 56 तो 200% 56 का 112 डबल, और 25% 56 का यानी 1/4 तो 14 चौका 56 होता है जो हो गया 40 + 30 और इस 109 को इधर लेके चले आओ बराबर हो गया वाट। 109 इधर से माइनस करते 112 में से तो 3 बचता है, 14 3 14 3 17 और 30 मिलकर के हो जाता है मेरा आंसर 47 47। ठीक है, तो ये इतना क्वेश्चन था, और भी हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं, तो आइए देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग। ये देखिए 16 का है 12% ऑफ 1885 इज इक्वल टू व्हाट डिवाइडेड बाय 6 है, तो डिवाइडेड बाय 6 है तो यहाँ तो डिवीजन का साइन है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम फिलहाल इसको यही रखते हैं, तो पहले हम 12% इसका निकाल लेते हैं। 12% निकालने जाएंगे तो हम या तो दो इधर कर ले या 10% निकाल लेते हैं इसका 188.5। ठीक है, 10% हो गया इसका 188.5 प्लस 2% निकालना है तो 1% 18.85 तो डबल करते हैं तो 2% निकलता है, 18 का डबल करते हैं 36 और 0.85 का डबल करते हैं तो 1.70 तो 37.70 ये आ गया। अभी इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम इसको करके देख लेते हैं एक बार, तो ये देखो 70 है और ये 50 है तो 70 और 50 मिल करके तो हो गया 1.2 तो 1.2 हो गया तो 0.2 इस इधर रखो और 188 में अगर 12 ऐड कर दिया जाए यहां से 12 उठा के ऐड कर दिया जाए तो 200 तो 12 ऐड किए तो 25 हो गया 225 और एक बचा हुआ था 226.2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो चलो अब ये तो 6 से आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सीधा ही कर दो तो 6 × 12 हो गया 1 हो गया 6 × 6 = 36 37 6 × 12 = 3 15 और 6 × 12 = 13 तो मेरा आंसर क्या हो गया 1357.20। ठीक है, क्या सब किए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो 12% 1885 का निकालना था, यहाँ पे डिविजन का साइन है 6 का तो 6 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 10% निकाले तो 188.5 किए और 2% और भी हमको निकालना है, पहले तो 1% निकालेंगे तो 1% हो जाएगा 18.85 और डबल करते हैं तो 18 का डबल 36 और 0.85 का डबल 1.70 तो 37.70 ऐड करते हैं तो 70 50 20 120 यानी एक बच गया, एक को हम देखो रखे हुए हाथ में। अब 188 में यहां से 12 उठा के ऐड कर दिए तो हो गया 200 और बचा कितना 12 जब उठाए तो बचा यहाँ पे कितना 25 तो 225 और एक मेरा जो बचा हुआ था 226। ठीक है, तो 226.2 अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए और मेरा आंसर आ गया 1357.20 1357.20। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो 3.05% 1200 का निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कुछ भी खास अप्रोच नहीं लगाते हैं, सीधा इसका दोनों जीरो इसके परसेंटेज से काट देते हैं। ठीक है, तो ये देखो 12 × 5 = 60 हो गया और 12 × 3 = 36 यानी 36.6 हो गया, 12 × 3 = 36 और 12 × 5 = 60 यानी 60 36.60 हो गया प्लस यहां पर भी हम वही काम करते हैं, देखो इसके परसेंटेज से इसके डबल जीरो को काट देते हैं तो 6.4 को 8 से मल्टीप्लाई करने का है, पहले 64 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 का क्यूब कर देंगे, 64 को जब 8 से मल्टीप्लाई करने का है तो इसका मतलब क्या है कि 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब होता है 512 तो 512 है तो एक डिजिट पहले डेसिमल रखेंगे 51.2 और इसका आंसर देख लो क्या सब लिख देंगे, इसका आंसर लिखेंगे 87.8 6 2 8 6 1 7 5 3 8 तो इसका आंसर मेरा क्या आ गया 87.8। समझ रहे होंगे आप लोग, चलिए पढ़ते जाइए देखते जाइए।
कुछ खास नहीं है, ये आपको आईबीपीएस क्लर्क आने वाले समय में आईबीपीएस पीओ में बहुत ही काम देने वाला है। अगर सारा आप वीडियो देख लेते हैं, दोनों ही पार्ट देखना जरूरी है। एक इससे जो पहला पार्ट बना है जिसमें 1 से 10 तक का क्वेश्चन था, और ये दूसरा पार्ट है जिसमें 10 से लेकर के ये आपको 25 क्वेश्चन है। टोटल इसमें 15 क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो बहुत हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सिंप्लीफिकेशन को किस तरह से सिंप्लीफाई करना चाहिए, ठीक है। और बीच बीच में तो मैं देता ही रहता हूँ सिंप्लीफिकेशन का वीडियो सब। तो चलो हम एक बार फिर से उठाते हैं 18वें नंबर का क्वेश्चन। तो ये देखो, इसको 14 को 4.5 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखो, ये सब चीज सीखना है, बहुत जरूरी। 7.4 × 3.5 कुछ खास नहीं है, कुछ इसमें जादू नहीं है, बस इधर से उधर कर देते हैं, इधर से इधर कर देते हैं, और तो कुछ नहीं करते हैं। यहां से 2 निकाले, ये 14 का मतलब क्या, 7 × 2 = 14, तो 2 निकाले और इसमें ट्रांसफर कर दिए। यहाँ पे क्या बचा, 7, यहाँ क्या बचा, 7, और इसका 2 तो इधर ट्रांसफर कर दिए थे, तो यहाँ क्या आ गया, 9। 4.5 का डबल क्या होगा, 9, 63 माइनस, फिर देखो यहाँ का 2 फिर इधर ट्रांसफर कर दिए, तो ये 2 ट्रांसफर किए तो ये तो 3.7 है ना, 3.7 है, और 2 ट्रांसफर किए तो ये आ गया क्या, 7। अभी देखो, 7 + 21 तो 21 पूरा आया, 7 × 49 तो 4.9 आया। तो 7 + 21 में प्लस करेंगे 4.9 तो 25.9 आएगा कि नहीं आएगा, 25.9। अभी देख लो, हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं, 63 में से 25 को माइनस कर लेते हैं। देखो कैसे माइनस, अच्छा 63 में से 23 को माइनस करो तो 40, 63 में से 23 को माइनस करो, 23 को 25 से माइनस नहीं कर रहे हैं, 23 को माइनस करो 40, 2 और भी माइनस करो तो 38.9 और भी माइनस करो तो 37.1 आंसर हुआ, 37.1, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 19वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 4495 क्या है, 145, और गुना है 656/16, ऐसा है गुना, ठीक है। हम करेंगे, हम करते हैं क्या है, यहाँ पे भी 5 देख रहे हैं, यहाँ पे भी 5 देख रहे हैं, 5 से तो ये कट रहा है, 5 से तो ये कट रहा है, और 16 से ये कट रहा है। देखो 16 × 64, 16 × 21 = 16, अच्छा 41 से अभी नहीं कट रहा, 5 से पहले काट के देखो, 5 × 10, 5 × 9 = 45, ठीक है। और इसको काट लेते, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45। अब 899 हम देख लेते हैं, 29 से कट रहा है या नहीं कट रहा, अगर एग्जाम का क्वेश्चन है तो कटना ही है इसको, एक बार देख लेते हैं। तो 29 × 30 = 90 होता है, तो 29 × 87 होता है, 30 × 90 तो 29 × 87, 3 कम कर दो, 29 × 87, 3, 2 बच गया, 29 × 29। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 41 से, 31 को 41 से मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। 41 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1230, 41 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 = 4, 3 = 12, 10 आ गया 1230, अब प्लस 41 तो आंसर मेरा क्या हो गया, 1271, 1271। तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, 1271, ठीक है, 71। इसका मैंने आंसर नहीं लिखा, आप लोग देख लेंगे पीछे कि क्या आंसर था इसका, इसका आंसर क्या था, अच्छा छोड़ो देख लेना पीछे। चलो तो 20 नंबर का हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। 20वें नंबर का क्वेश्चन है 1.4%, फिर से वही काम करेंगे हम, देखो 1.4% 750 का निकालना है, प्लस 2.2% ये निकालना हमको 480 का। तो 1.4% का मतलब 0.7% ऑफ, इसका 2 ट्रांसफर कर देंगे इधर तो 1500 हो गया ना, और 00 इसके परसेंटेज से कट गया, 15 × 7 = 15, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 105। अब एक डिजिट पहले डेसिमल तो 10.5, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। प्लस इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखते हैं इस, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको भी वही काम करते हैं, 1.1% रहने देते हैं, 48 × 2 होता है 96,960 कर देते हैं, ठीक है। हम ऐसा क्यों किए उसका कारण बताते हैं, 1.1 × 960/100 ऐसा हो गया, अभी इसका जीरो खत्म कर देते हैं,
तो 11 हो गया ये 11 11 अभी पॉइंट को छोड़ दो 11 into 96 तो 96 को 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 11 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कैसे करते देखो, देखो 96 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले लिखो 6 फिर 9 और 6 को दोनों को ऐड करो, 9 6 15 बच गया एक, अब अकेला बचा 9, 9 1 10, तो 10 तो 56 हो गया, एक डिजिट पहले डेसिमल नहीं दो डिजिट पहले, एक तो यहाँ का डिजिट और एक यहाँ का, तो 10.56 10.56 और ये क्या आ गया 10.5, तो 10 10 20 50 50 1 50 50 100 होगा यानी एक हो जाएगा, तो 21.21.06 ये ही आपका आंसर हो गया, ठीक है 50 56 तो 6 21.06 ठीक है, तो इसका आंसर हमको क्या आ गया 21.06, समझ रहे बात। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखिए ये 35,937 का क्यूब करना है, 35,937 का क्यूब करना है, क्यूब करना हम पिछले वीडियो में भी सिखाया है, यहां भी हम बता देते हैं 1 2 3 1 2 3 थ्री डिजिट पहले काट दो, ऐसे दो भाग में काट दिए, अभी 7 का क्यूब का यूनिट डिजिट करो, 7 के क्यूब का यूनिट डिजिट चेक करो, 7 का क्यूब होना चाहिए 343, 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए, 7 का क्यूब 343, यूनिट डिजिट क्या होगा 3, और यूनिट डिजिट जो मेरा 3 आया ये मेरे आंसर का भी यूनिट डिजिट है, ठीक है। अब 35 से जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है 27, 35 से जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है 27, और 27 का क्यूब रूट निकालो, 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3, तो ये 35,937 का क्यूब रूट क्या निकल गया 33, ओके। अभी क्या है मल्टीप्लाई करना है 1331 से बराबर 121 गुना वाट, अभी 121 तो 11 बार में काट देगा ना, और 11 बार में जब काट देगा तो ये 11 गुना 33, 11 3 33 330, 11 3 33 ऐड कर देंगे 363, यानी वाट का वैल्यू क्या आ गया 363, 33 गुना 11 ऐसे भी कर लो, 3 देखो 3 3 3 6 और बचा क्या 3, तो 363 वाट का वैल्यू क्या आ गया 363, और ये मेरा क्या 21वां नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अभी हम लोग बढ़ते हैं 22वें नंबर पे, 22वां नंबर का क्वेश्चन है 136% निकालना है 250 का, 136% निकालना है 250 का, प्लस वाट परसेंट ऑफ 550 इज इक्वल टू 670। ध्यान से देखना हम इसमें कितना अप्रोच लगा सकते हैं, कितना अप्रोच लगा सकते हैं, हम बोले 136% 250 का निकालना है, अगर इसमें से चार चार निकल के इससे मल्टीप्लाई कर दे तो कितना खूबसूरत हो जाएगा, चार निकालो मल्टीप्लाई करो 1000, चार निकालो मल्टीप्लाई करो 1000, 250 में चार से मल्टीप्लाई किए 1000, अभी चार निकाल लिए थे तो क्या बचेगा 4 3 12 4 4 16 यानी 34% 1000 का 340, 34% 1000 का कितना आ गया 340, ठीक है, प्लस वाट परसेंट को रहने दो, ये वाट परसेंट ऑफ 550 रहने दो, इस 340 को बराबर के उस साइड लेके जाओ, हम बोल सकते हैं वाट परसेंट ऑफ 550 बराबर 370 में से 670 में से 340 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 330 आएगा, अभी तो वाट परसेंट बराबर 330 बटे 550, जीरो से जीरो कट गया, 11 3 33 11 5 55, 3/5 का मतलब हो जाएगा 60%, 3/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा 60%, 1/5 का परसेंटेज वैल्यू 20%, और 1/5 का तिगुना करते हैं, 1/5 का तिगुना करते हैं तो 1/5 का तिगुना कितना होगा 3/5 यानी 20% का तिगुना कितना होगा 60%, तो इसका आंसर क्या आ गया 60%, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 23वें क्वेश्चन की तरफ, 23वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 7/5 ऑफ का मतलब 58 मल्टीप्लाई कर लो प्लस 3/8 मल्टीप्लाई कर लो 139.2 से, ठीक है। यहां देखो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे, ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या बन गया 10,
और ये बन गया 14 गुना 58, 14 गुना 58, 14 पंचे 70, 700। देखो ध्यान से, 14 पंचे 70, 700 और 14 अठे 112, 14 पंचे 70, 700, 14 गुना 8 112। तो 700 प्लस 112 मिल के हो गया 812, और नीचे में क्या है 10, 812 और नीचे में क्या है 10। पॉइंट कहां पे आएगा, तो उसे पहले पॉइंट आएगा, ठीक है। प्लस अभी 8 से देख लेते, ये डिविजिबल है, 8 चौका 32, 8 9 72 डिविजिबल है, काट दो अभी, 8 इकाई 8, बच गया 5, 8 सत्ते 56, बच गया यहाँ पे 3, 8 चौका 32, तो 17 तिया 51, 4 तिया 12, 52.2, 17 तिया 51, 51, 4 तिया 12, 1.2, 51 प्लस 1.2 हो गया 52.2। तो 2 से 2 को ऐड करेंगे 4, और 52 से 81 को ऐड करेंगे तो देख लो क्या हो जाएगा, 133.4। तो मेरा आंसर 23वें नंबर का क्या हो गया, 133.4, ठीक है। चलिए फिर से हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ मेरा, लास्ट दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 24वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, 12% 555 का और 15% 666 का। यहां देखो क्या अप्रोच लगाते हैं, 12% 555 का प्लस 15% 666 का। एक चीज हमको क्या नजर आ रहा है, रिपीट कर रहा है, 111 गुना 5 है और 111 गुना ये 6 है। तो 111 गुना अगर इसको समझे हम 5, तो ये 5 इधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा 60%, 12 पंचे 60, 60% ऑफ 111 का, ठीक है। 111 गुना 5, इस 5 को इधर लेके चले हैं, 12 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया 60%, 12 पंचे 60, 60% 111 का, 60% 111 का प्लस। अब इसको भी वही काम करते, 111 गुना 6 है तो इस 6 को इधर ट्रांसफर करो, तो 15 6 के क्या हो गया 90% किसका निकालना है, 111 का। अभी 111 इधर भी है, 111 इधर भी है, बेस दोनों का सेम है, तो दोनों परसेंटेज को ऐड करो, 111 समझ लो कि हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 90% प्लस 60% दोनों मिलकर के हो जाएगा 150%। अब 150% निकालना है 111 का, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो 100% 111 का तो खुद 111, 50% तो इसी का आधा, तो देख लो 110 का आधा होता है 55 और 1 का आधा आता है 0.5, ऐड करते हैं 166.5, 166.5, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 25वें नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट बाय 529, 529 को देखे ही दिमाग में खटकना चाहिए, ये तो 23 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है, और 324 को देखते ही खटकना चाहिए, ये तो 18 का स्क्वायर है। तो व्हाट इंटू व्हाट बराबर व्हाट का स्क्वायर बराबर 529 गुना 324। तो व्हाट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 529 गुना 324, 529 का स्क्वायर रूट 23 और 18 ये निकल गया। तो व्हाट बराबर मेरा आ गया 23 इंटू 18। अभी 23 इंटू 18 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 18 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 18 दूनी 36, 360 और 18 तिया 54, ऐड करो 414, 18 दूनी 36, 360 और 18 तिया 54, तो 360 में 54 को ऐड करना, 40 को ऐड करो तो पहले 400, तो 54 में से 40 तो निकाल लिए, बचा मेरा कितना 40, तो 400 प्लस 14 मिलके कितना हो गया मेरा आंसर 414। तो इसका आंसर मेरा क्या हो गया 414, और इसका आंसर कितना हो गया था 166.5। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आप कृपया लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपके मन में कुछ भी आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कमी रह गया तो आप कमेंट में आराम से कर सकते हैं कमेंट, तो इससे मुझे भी ये होगा कि क्या कमी रह गया, मैं इसे इम्प्रूव करने का कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से देखिए, दोबारा देखिए, तिवारा देखिए, और ये बेस्ट अप्रोच है सीखने के लिए। अगर आप इस अप्रोच को सीखना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी चीज आपको एक दिन में नहीं होने वाला, ये बात आप कन्फर्म रहिए। कि आप अगर ये सोचिएगा कि नहीं हम एक ही दिन में इस अप्रोच को पूरा हम सीख जाएंगे, तो ये भी अप्रोच आपसे सीखने वाला संभव है नहीं ऐसा।
आप खुद सोचिए कि जिस दिन आप बाइक चलाना शुरू किए थे, जो लड़कियां स्कूटी चलाना शुरू की, क्या पहला दिन ही स्टार्ट कर दी और लहरियां मारना शुरू कर दी क्या? ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको धीरे 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 अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना होगा, और धीरे धीरे जब आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। IBPS PO और IBPS क्लर्क दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप जो भी स्टूडेंट जो IBPS क्लर्क आने वाले दिनों में देने वाले हैं तो उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है। IBPS PO के लिए भी बहुत जरूरी है, इसमें कुछ क्वेश्चन PO का भी था। तो आप क्या करेंगे, इस दोनों एपिसोड को, ये एक एपिसोड लास्ट वाला था और इससे पहले भी एक एपिसोड था, पार्ट वन पार्ट टू करके ये दिया हुआ है, और आप इस दोनों को देखेंगे मिला करके और बहुत ही फायदा होने वाला। 25 क्वेश्चन का ये सेट था और 25 क्वेश्चन मैंने कराया, उम्मीद करते हैं कि बहुत पसंद आया होगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, और हाँ लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा बात, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए, ये रोशन मिश्रा आपसे विदा लेता अभी फिलहाल, तो फिर मिलते हैं।